स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मात्र 18 साल की उम्र में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू के लिए तैयार पृथ्वी शॉ ने काफी कम उम्र में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को अपना फैन बना लिया। ये एक्सपर्ट्स पृथ्वी शॉ के फैन ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने दिखाया कि उनमें महान बल्लेबाज बनने की सारी खासियत मौजूद है। तो आइए नजर डालते हैं पृथ्वी शॉ के अब तक के क्रिकेटिंग सफर पर। स्कूल क्रिकेट में कमाल। मात्र 14 साल की उम्र में जब 546 रनों की पारी खेली तो सभी ने इस खिलाड़ी की तारीफ की। खुद सचिन तेंदुलकर ने पृथ्वी शॉ की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें कुछ खास बात है। 17 साल में फर्स्ट क्लास डेब्यू। स्कूल क्रिकेट में धमाल मचाने के बाद अब पारी थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। 17 साल की उम्र में पृथ्वी शॉ ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू भी उसी अंदाज में किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। रणजी ट्रॉफी में सेंचुरी। अपने पहले ही रणजी मैच में पृथ्वी शॉ ने शतक जमा कर अपने आने का ऐलान किया। पृथ्वी सचिन तेंदुलकर के बाद रणजी डेब्यू में शतक जमाने वाले बल्लेबाज भी बने। तमिलनाडु के खिलाफ रणजी सेमीफाइनल मुकाबले में चौथी पारी में पृथ्वी शॉ ने शतक जमाते हुए मुंबई को जीत दिलाई। दिलीप ट्रॉफी में भी शतक से शुरुआत। रणजी में शतक के साथ डेब्यू करने के बाद दिलीप ट्रॉफी का आगाज भी पृथ्वी ने शतक जमाकर किया। इस शतक के साथ दिलीप ट्रॉफी फाइनल में शतक जमाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज भी बने। अंडर 19 विश्व कप विजेता। बल्ले से लगातार धमाल मचाने के बाद अब बारी थी एक लीडर के रूप में कमाल दिखाने की। अंडर 19 विश्व कप में पृथ्वी ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने न सिर्फ एक लीडर के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाई बल्कि बल्ले से भी 6 पारियों में 261 रन बनाए। इसके अलावा पृथ्वी ने आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में भी अपना जलवा दिखाया। अब अगर एक बल्लेबाज ने इतने कम समय में इतना कुछ हासिल किया है तो सबकी नजर में आना तो लाजमी है।